नमस्कारम। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल किया जाए, कि हमारी अगर दवाई अगर हमें लगी हुई है एलोपैथिक दवाई, तो वो कैसे छूटेगी, किस तरह से हम उससे बाहर आ सकते हैं। आयुर्वेद, योग, इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा करके हम क्या इसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते आप इसको पहले समझें गहराई से कि ब्लड प्रेशर है क्या, ये क्यों हो रहा है, और फिर उसको आप उसकी एक छोटी सी जो बारीक सी कमी आपके जीवन में सबके है उसको दूर कर दें, और जो भी स्टेप्स इसके लिए उठाने ज़रूरी हैं वो सब उठाएं। तो मैं मानता नहीं हूँ, मैं तो इस चीज़ को जानता भी हूँ, क्योंकि मेरे सामने की बात है, हज़ारों लोगों की गोलियाँ छूटी हैं। मैं खुद अपने कैंप्स में जब योग करवाता हूँ, ध्यान करवाता हूँ, और कुछ दिन तो वो अपनी एलोपैथिक दवाई लेते हैं, साथ साथ फिर हम जैसे ही आयुर्वेदिक दवाई उनको देते हैं तो धीरे धीरे एलोपैथिक दवाई की डोज चेक करते हुए बीपी को बड़े अच्छे ढंग से, अंदाज से, कोई नज़रअंदाजी से नहीं, बड़े लहजे से हम उसको कम करते करते धीरे धीरे बंद भी करते हैं, और फिर उसके बावजूद भी दो दो महीना चेक करते रहते हैं बीपी, तब वो रेगुलर नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी कम करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है उसको छोड़ के भी महीना दो महीने जांच करते रहते हैं, अपनी रेगुलर क्लासेस जो हमारे अलग अलग योग शिक्षक लेते हैं वहाँ पर, तो वो कक्षाओं में ये रेगुलर जाँच भी चलती है। उसके बाद फिर जब वो आयुर्वेदिक मेडिसिन छोड़ने के बाद भी दो चार महीना, पाँच महीना उसको चेक करा जाता है तो उसका बीपी बढ़ता ही नहीं है, तो फिर हमें उसको बताना पड़ता है भैया कि अब तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो गया है। हालांकि ये बात मानने में नहीं आती है, क्योंकि जो व्यक्ति के दिमाग में बिठा दिया जाता है ना सब चारों तरफ से कि भाई नहीं, बीपी मतलब गोली खानी ही पड़ेगी, खानी पड़ेगी तो खानी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस एलोपैथिक डॉक्टर ने बहुत विद्या ली है, उसने अपने लाइन में अपनी महारत बहुत ली है, लेकिन उसने योग विद्या को भी प्रैक्टिस नहीं करा है, उसने कभी उसका रिजल्ट भी नहीं देखा है। हमने इसको प्रैक्टिस भी करा है और औरों को भी कराया है, और हमने इसका रिजल्ट भी देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कोई बीपी की गोली छुड़वाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शायद इसीलिए भी मैं इस टॉपिक को इतना इग्नोर करता रहा अब तक, कि ये कौन सी बड़ी बात है, बीपी की गोली छुड़ाना कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन लोग बहुत परेशान हैं, और कहीं ना कहीं हमारी परेशानी का कारण हमारा लाइफस्टाइल भी है। मैं उन सब बातों पर थोड़ा शॉर्ट में और बड़ा कॉम्पैक्ट से ढंग से विचार करूँगा आपके साथ, कि कौन कौन से आपकी कमियाँ आपने सुधारनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है। तो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल के बारे में ही कहूँगा कि लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा आपको पूरी तरह से। आपका लाइफस्टाइल गलत है, आप बिल्कुल गलत हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ना ही आप इस चीज़ को इग्नोर करें। लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं तभी बीपी है। लाइफस्टाइल में डाइट हो सकती है, हमारा रूटीन हो सकता है, हमारा काम करने का ढंग हो सकता है, उन सब पे विचार करूंगा, लेकिन लाइफस्टाइल की सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है रात को समय पर सोना। जो लोग लेट नाइट जागते हैं, बॉडी स्ट्रेस में आती है, बॉडी की नसों पे या शरीर पे स्ट्रेन बढ़ता है। आप जितना मर्जी कह लें नहीं जी हमारा कोई इतना हैवी वर्क नहीं है, लेकिन सूर्य ढलते ही सारे पंछी अपने घोंसलों में इसलिए नहीं चले जाते कि वो पागल हैं या उनको कोई और काम सूझता नहीं है। ये उनके नेचर से जुड़े होने की निशानी है कि वो अपने आप को नेचर से तोड़ के नहीं चलते। आज मेरे या किसी को भी पूछ लो, भाई आपका कितने बजे नाश्ते का टाइम है, डिनर का टाइम है, कह देगा हाँ आज मैं तो समय पर खाता हूँ, लेकिन उसका कोई समय नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैंने कब उठना है कब सोना है। ये कुछ अगर गड़बड़ियाँ अगर नहीं है आपकी लाइफ में तो बहुत मुबारक, लेकिन अगर ये वाली गड़बड़ी आपकी लाइफ में है कि आप लेट सोते हैं 12 बजे, 1 बजे, 11:30 बजे, ऐसे ना चलेगा। आपको रात को 10 बजे सोना है, मतलब सोना है। ये शुरू में जो लोग 12 बजे सोते हैं उनको मैं कहूँ कि 10 बजे सो जाओ, तो वो कहेंगे ये कौन सी बातें कर रहे हो, हमसे नहीं हो सकता ये, हम तो 11 बजे दुकान बंद करते हैं। तो ये चीज़ें उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाएंगी, पर फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। आप कोई व्यक्ति सीधा 12 बजे से सीधा ही 10 बजे नहीं आ सकता, तो वो कम से कम सबसे पहले 11:30 ले आए अपने आप को, फिर 11 ले आए, धीरे धीरे ऐसे थोड़े दिन में बदलाव तो ज़रूरी है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, पैसे की तरफ से उनको कोई कमी नहीं है, उनके अंदर पूरा स्टाफ काम करता है,
और तो और वो हर चीज उनके पास है परमात्मा की दी हुई, लेकिन वो रात को 9:30 बजे सो जाते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए वो सो जाते हैं। उनको है कि अब हमने अपने आप को पक्का कर लिया है, हमने सिस्टम ही ऐसा बना लिया है कि जो काम रात लेट होते हैं वो सुबह भी तो हो सकते हैं, सारा दिन भी तो हो सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा बदलिए, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी नींद खुलेगी। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं इनको हम प्राणायाम कराते हैं भोर में, जब बिल्कुल सूर्य नहीं निकला होता, जब ओस घास पर होती है, जब बिल्कुल कोमल वातावरण होता है एकदम ताज़ा, तब हम इनको योग कराते हैं सुबह उठा करके। तो पहला स्टेप तो यही हो गया कि आपने रात को जल्दी सोना है। दूसरा स्टेप ये हो गया कि रात को वैसे लाइट ही खा के सोवो, ब्लड प्रेशर वाले हल्का खा के सोवो, नहीं दिल करता अकेला दूध पी के सो जाओ, और सुबह उठ करके थोड़ा गुनगुना पानी पियो 1-2 कप गिलास, तो उसके बाद थोड़ा टहल लो, टहलने के बाद थोड़ी जल नेति करो। जल नेति का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर जाकर आप जल नेति लिखेंगे तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। जल नेति आपको करना ज़रूरी है। जल नेति सौंफ के पानी से आप कर सकते हैं, सौंफ का पानी थोड़ा उबाल लो फिर ठंडा कर लो, उसी से आप जल नेति करो रेगुलर, दोनों नथुनों में जल नेति रेगुलर करनी है। ये था अगला स्टेप। इसके अगला स्टेप कौन सा है, आपको रेगुलर सारे तरह के योग अभ्यास करने हैं। उसमें डीप ब्रीदिंग भी आएगा, उसमें कपालभाति भी आएगा, उसमें थोड़ा बहुत अग्निसार भी आएगा। सिर्फ सांस जिसमें रोक के रखते हैं ना, ऐसे आसन नहीं करने होते हाई बीपी वालों ने। जैसे मैं कोई आसन कराऊं या आप कोई से आसन करो तो वो बोलता है कि सांस भर के टांग उठाओ, थोड़ी देर सांस रोक के टांग वहीं रखो रखो, टांग आप चाहे उठा लो, हाथ चाहे उठा लो, चला लो, शरीर को जिधर मर्जी घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सांस रोक के रखने वाले अभ्यास ना करो बीपी हाई बीपी वाले। और कपालभाति के बारे में कई लोगों ने अपने शंका जाहिर की थी कि हमारा बीपी बढ़ता है, और कुछ लोगों ने हमें कह दिया कि हाई बीपी में कपालभाति और ज़्यादा नुकसान करता है। तो मैं उन लोगों को कह दूं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उन्हीं लोगों का कहना है जो लोग इसको जानते नहीं हैं, या उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, या उनकी और किसी तरह की सोच है। मैंने तो खुद करवाया है, जब हम बैलेंस योग करते हैं, सारे तरह की चीज़ें करते हैं बैलेंस में, तो उसमें हम 10-15 मिनट कपालभाति भी कराते हैं, बल्कि बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ने की बजाय उससे रेगुलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बॉडी चलने से हल्की होती है, बॉडी पे जो लोड आया हुआ है नसों पे वो चल चल के वो रवा हो जाती है, बॉडी नसें स्टिफ होती हैं। दरअसल बीपी का कारण क्या है, यही तो है कि हमारे शरीर की नसें स्टिफ हो गई हैं। चाहे वो आपने डाइट ऐसी ले ली कि जिससे आपके शरीर हार्ड हो गया, जिस डाइट में फाइबर नहीं होगी, न्यूट्रिशन नहीं होगा, अकेली ब्रेड होगी या चाय होगी बार बार, या जो कॉफ़ी पी जाएगा, या फिर जिसकी डाइट में बिल्कुल फ्रूट है ही नहीं, सलाद है ही नहीं, सब्जियां है ही नहीं, बस जब दिल किया पनीर बना लिया, जब दिल किया राजमा बना लिए। तो ऐसी हैवी डाइट जो लेते हैं जिससे नाड़ियों में बाद में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो उन लोगों को तो दिक्कत आएगी ही आएगी। आपको डाइट जब चुननी है तो हर चीज़ चुननी है, हर कलर उसमें भरना है, सलाद का, सूप का, दूध का, हर चीज को बैलेंस में रखना, गाय के घी का। और उसमें कई लोग पूछते हैं कि नमक डाइट में क्या करें, नमक के बारे में क्या कहना है आपका। नमक लाइट होना चाहिए, नमक सेंधा हो आपका ऊपर से डालने वाली चीजों में, और नमक दूसरा जो समुद्री नमक भी यूज कर सकते हैं सब्जियों में, लेकिन हल्की मात्रा में अच्छा रहेगा, बहुत लाइट नमक लें। जहाँ अवॉइड हो सकता है वहाँ नमक ना ही डालें, जैसे सलाद पे, फ्रूट पे, तो वो नमक ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कई लोगों को तसल्ली नहीं होती कि नमक करारा होना चाहिए, वो एकदम तो फिक्का नहीं कर सकते मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे 5-5% अपने आप को समझा के उसकी जगह पे थोड़ा आप हरी मिर्च डाल के थोड़ी अपने आप को करारापन दे सकते हैं, तो हल्का नमक भी चल जाएगा। ये नमक के बारे में बात होगी। हम बात कर रहे थे कि इसमें इसके बाद क्या करना है, योग में हर चीज करनी है। बीपी तभी बढ़ता है योग करने से, या तो वो बहुत ज्यादा सिर नीचे टांगे ऊपर, जैसे शीर्षासन हो गया या सर्वांग आसन हो गया, ऐसे आसन करने से होता है बीपी बढ़ता है, जिसमें सीधा ब्लड सारा उल्टा, आप उल्टे लटक जाते हैं या ऐसा
जिसमें सिर में दिमाग में ब्लड आता है वो नुकसान करते हैं। कपालभाति की स्पीड अगर 70 बार 1 मिनट में, 75-80 बार है तो ये नॉर्मल है। 100 बार से अधिक तेज 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 कोई कपालभाति करता है 1 मिनट में, तब वो गलत गिना जाता है। नॉर्मल स्पीड का जो बैलेंस सा सॉफ्ट सा कपालभाति है वो बहुत अच्छा है। बाकी मेन खुराक जो है ना वो अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम अपने योगिक रूटीन में 20-20 मिनट्स मॉर्निंग इवनिंग करिए। कई लोग मुझे कहेंगे कि आप सिर्फ अनुलोम विलोम हम कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये ऐसा ही है जैसे आप कोई पूछ रहा होए कि मैं खाली रोटी खा सकता हूँ बिना सब्जी बिना नमक के, मैं खाली चावल खा सकता हूँ बिना इसके, यानी कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का आपस में एक बैलेंस, एक मैचिंग, एक कोर्स होता है। अकेला अनुलोम विलोम करना अच्छा है, अगर आपके पास टाइम कम है किसी दिन तो उस दिन के लिए जायज़ है, लेकिन वैसे रेगुलर में हर चीज़ चलानी है। क्योंकि अगर बैठ के आपकी बॉडी नहीं खुलेगी, आपका शरीर नहीं खुलेगा, तो आपका बीपी नॉर्मल धीरे धीरे नहीं आ सकता। ये तो बात होगी आपकी योग की। योग सारा ही करना, उसमें ब्रेन को रिलैक्स करने वाले भी प्राणायाम होने चाहिए, भ्रामरी या कुछ वो ऐसी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए शरीर को खोलने वाली, कि जो आपकी अंगड़ाई लेने से आपका शरीर खुल जाए, ये योग है। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ डाइट के प्रिकॉशंस की, जैसे कि डाइट में क्या क्या नहीं लेना। मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ आप बाहर की जो डिब्बा बंद चीज़ें हैं ना, जैसे भुजिया या हलवाइयों का सामान, समोसे पैटीज, ये बंद कर दो। घर का फ्रेश फूड लो, अपने टाइम बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। मेरे कितने ही डाइट प्लान हैं, डिलीशियस डाइट प्लान, समाहार डाइट प्लान, हमारी वेबसाइट है nityanandamshree.com, वहाँ पे कितने डाइट प्लान ऐसे हैं जो वात बैलेंसिंग है, तो आप उनको देख के एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे डाइट होनी चाहिए, तो वो डाइट आप लीजिए। मास्टर वेट लॉस डाइट प्लान है, उसमें भी एक बैलेंस रूटीन बताई मैंने कि कैसे होनी चाहिए, वो बीपी वालों के लिए भी अच्छा है, तो वो आप करिए। फिर अचार से बचना होता है, अचार ना खाइए, अचार में बहुत नमक होता है, बहुत तेज होता है अचार। गरम मसाले ना खाइए ज़्यादा ज़्यादा, रात को लेट खाना ना खाइए, यही है जड़ जो हमें तंग करती है बाद में। रात को 10 बजे लोग खाना खाते हैं, फिर 12 बजे से पहले तो सोया नहीं जाएगा, क्योंकि खाना खा के तुरंत सो जाना भी ये बीमारी बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है। शुरुआत में जवानी में कुछ नहीं होता, 40 साल के आसपास आते आते बैंड बन जाता है। अब तो मैं देख रहा हूँ 25-25 साल के लड़कों को बीपी बढ़ रहा है। एक जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये बंद करना पड़ेगा। बीपी देखो, अगर आपने नींव रखी दी है अच्छे स्वास्थ्य की, जब आपने कामना ही कर ली है कि मैंने ठीक होना है, मैंने स्वस्थ होना है, तो फिर कोई भी गलत चीज़ नहीं चलेगी। फिर चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे फिर वो निकोटिन हो, चाहे या कॉफ़ी का, तो ये सब भी अवॉइड करना पड़ेगा आपको अपनी पूरी हिम्मत से। धीरे धीरे शुरुआत में थोड़ा कम, फिर धीरे धीरे पूरा, तो ये अवॉइड करना है। और कोई खास अवॉइड करने की चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं घी बंद करना है, घी बंद करें, नहीं, गाय का घी लीजिए, भैंस का घी बंद करिए। गाय का घी, गाय का दूध, कच्चा भी सब्जी में डाल के गाय का घी लीजिए, वो बीपी के लिए अच्छा है। आप बोलेंगे जी मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, फिर भी आप लीजिए, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता गाय का घी। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ों में यही है कि वनस्पति घी का प्रयोग करना, तली हुई चीज़ें खाना, बाहर के बिस्किट भुजिए, बार बार मंचिंग करना, और ज़्यादा बीपी बढ़ाने वाली चीज़ों में मैंने अब तक जो महसूस की है वो है लाल मिर्च। लाल मिर्च भी ना लीजिए, उसकी जगह काली मिर्च, हरी मिर्च डालिए अपने खाने में। और खाना जितना फ्रेश हो जाए, ताज़ा हो जाए, उतना अच्छा, ज़्यादा चबा के खाइए और भी अच्छा। ये थे कुछ डाइट के टिप्स, और भी मैं समय समय पे बताऊंगा। आप मुझे पूछना भी कि क्या क्या आपके मन में क्वेरीज आ रही हैं, क्या क्या आपके मन में उलझने हैं इस बीपी को लेके। फिर बात करते हैं जी, अब हमें कोई हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी साथ में बता दो, तो उसके लिए मैं शॉर्ट में इतने कहना चाहूँगा कि वैसे तो कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली सुबह लौकी का जूस, लौकी जो घिया जिसको बोलते हैं, तोरी बोलते हैं, या लंबी, उसका जूस भी अगर निकाल के डेली सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें, और साथ में थोड़ा सा आप जटामांसी का पाउडर ले लें। जटामांसी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, मैंने पहले भी एक जटामांसी पे वीडियो बनाई है, इसको बालछड़ भी बोलते हैं। तो जटामांसी का पाउडर कर लीजिए खुद ही पंसारी वाले से फ्रेश लाके, उसको आधा चम्मच ले लीजिए सुबह लौकी के रस के साथ, इतना ही काफ़ी है, बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। बस इतना करें कि अगर इतने इस एक नुस्खे से कभी कभार नहीं आए, तो साथ में सर्पगंधा वटी, खाना खाने के बाद
आधे पौने घंटे बाद दोनों टाइम गुनगुने पानी से ले ले, नाश्ते और डिनर के बाद एक एक गोली या दो दो गोली, एक 180 190 तक रहता है तो एक एक गोली सुबह शाम, और अगर इससे भी ऊपर जाता है तो दो दो गोली सुबह शाम खाने के बाद। आयुर्वेदिक दवाई लेने के साथ ही एकदम से एलोपैथिक नहीं बंद करना, बीपी चेक करते रहना है। जिस दिन आपको बीपी थोड़ा डाउन मिले ज़्यादा, तो उस दिन आप थोड़ी एलोपैथिक दवाई की मात्रा घटा दें, फिर चेक करें, फिर और ज़रूरत कम पड़े तो धीरे धीरे उसको एक दिन छोड़ के लें बीपी की दवाई अपनी, आयुर्वेदिक जारी रखें जैसे कि मैंने शुरू में बताया, और फिर करते करते 1-2 महीने तक ऐसे ही केवल आयुर्वेदिक दवाई पे आ जाएं। फिर प्राणायाम पूरा करना पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक बीपी बढ़ता है, कई कई साल हो गए हैं, उन लोगों को मैं 20-20 मिनट्स, 25 यानी 25-25 मिनट अनुलोम विलोम कराता हूँ, 10-15 मिनट कपालभाति और 25 मिनट अनुलोम विलोम, ये तो मैं पेट रखता हूँ। इसके अलावा वो धूप जरूर लें, पानी ज़्यादा पिए ताकि पसीना भी आए। जिन लोगों को बिल्कुल पसीना नहीं आता, जो बिल्कुल वर्जिश नहीं करते जिससे कि पसीना आए ही ना, सारा दिन गद्दी पर बैठ के काम करना, कंप्यूटर पर बैठ के काम करना, ये भी एक गलत चीज़ है। आप पूछ रहे थे कई लोग कि मैं बीपी में रनिंग करूं कि ना करूं, मैं रनिंग की बजाय आपको कहूंगा थोड़ी ब्रिस्क वॉक करना चाहे कर लें, घास पे चल लें, प्राणायाम कर लें, वो अच्छा है, आसन कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें। बहुत ज़्यादा शुरुआत में रनिंग रनिंग वाला एक्सरसाइज बीपी कई बार बढ़ा भी देते हैं। और इसके अलावा देर रात को जागना या रात को सोना ही ना, ये गलत है बीपी वालों के लिए। लास्ट पे मेरे माइंड में 2-3 सवाल थे, कई लोगों ने पूछे थे कि बीपी में हम च्यवनप्राश खाएं कि ना खाएं, अच्छा होगा बेहतर होगा आप ना ही खाएं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीपी वाले ले सकते हैं, वो भी इसकी च्यवनप्राश की जगह ब्रह्म रसायन ले लें, वो भी च्यवनप्राश जैसा ही होता है, रात को ले सकते हैं दूध से पहले, और रात को दूध पीना अच्छा है बीपी के लिए। बीपी वालों को एक मैंने बताया था कि चंद्रभेदी प्राणायाम गर्मियों में, या बहुत ज़्यादा जिस कंडीशन में बीपी बढ़ा है तो वो चंद्रभेदी कर सकते हैं, मेरी चंद्रभेदी प्राणायाम की वीडियो देख लीजिए। और एक बीपी जिनका बढ़ता है उनको ये फर्स्ट वाली दो उंगलियां अंगूठे के साथ लगा के प्राणायाम करना चाहिए, फर्स्ट वाली दो उंगलियां अंगूठे के साथ ऐसे बराबर लगा के प्राणायाम करना चाहिए। तो ये हो गया बीपी वालों के लिए। फिर मैंने 1-2 चीज़ें और लिखी थी, डाइट मैंने बता दी, सोने का मैंने बता दिया, डाइट मेडिसिन और योग सब बता दिया। इसके अलावा आप का कहना था कि बीपी कौन सी साइड से चेक करें, राइट साइड के लेफ्ट साइड, तो मैं आपको कहूँगा कि जिस साइड हार्ट होता है लेफ्ट साइड, इस तरफ से बीपी चेक करना अच्छा है, क्योंकि हार्ट से नज़दीक पड़ती है ये ना बाजू, इस पे इसी नाड़ियों में ज़्यादा करेक्ट रीडिंग आती है। फिर भी आप दोनों साइड भी करें तो चलेगा, बस 10-20 पॉइंट का फर्क होता है, 10 पॉइंट का इस तरफ का। तो ये हो गया बीपी का। इसके अलावा कितनी देर में मैं ठीक हो जाऊंगा, ये सवाल था लोगों का। आपको 15 से 20 दिन में हल्का हल्का फर्क नजर आना शुरू हो ही जाना है, पर फिर भी बीपी के और भी कई कारण है, कई बार हार्ट कमजोर हो चुका है, या कई बार हमारे शरीर में गर्मी अधिक है, वायु अधिक है, तो वायु अगर किसी के अधिक है तो बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उस कंडीशन में क्या करें, मेरी एक वीडियो थी वाता बैलेंसिंग 5 टिप्स, जिसमें मैंने मुंह में नारियल का तेल भर के 15 मिनट मुंह में सुबह रखना, मल द्वार में और नाक में और नाभि में तेल लगाना, रात को गाय का घी दूध में डाल के लेना, या दूध में गाय का घी सूट नहीं करता तो गाय का घी दाल में या सब्जी में डाल के लेना, और इसके अलावा मैंने उसमें बताया था कि शरीर की मालिश करना, ऐसे 5 टिप्स थे वो वीडियो में, तो वो वीडियो भी देख लेना, वाता बैलेंसिंग 5 टिप्स, उसको भी फॉलो साथ में कर लिए ताकि वात वायु ना भड़के। बाकी बीपी में छाछ पीना बहुत अच्छा है, नमक जीरे वाली हल्के सेंधा नमक बहुत हल्के वाली लंच के बाद। बीपी वालों को शाम 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, या 3 बजे से लेके शाम 5 बजे के बीच में पानी पीना बहुत अच्छा है, गुनगुना पानी थोड़े थोड़े देर बाद। ये चीज़ें थी। फिर भी आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें जब तक प्रैक्टिकल नहीं आपकी लाइफ में आएंगी, ये सिर्फ बातें ही हैं। बीपी बिल्कुल ठीक हो जाता है, मैंने ऐसे सैकड़ों हजारों लोग आंखों के सामने देखे, मैं भूल नहीं सकता, आज भी वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप कहेंगे जी अगर ऐसी बात है तो हमें उनसे मिलवाओ, मैं आपको बहुत जल्द जो जो भी मेरे पास आते रहते हैं मैं वीडियो के माध्यम से आपको उनके अनुभव भी शेयर करूंगा कि कैसे बीपी नॉर्मल हो गया। आप वो गोली नहीं लेते हैं, क्योंकि बीपी कई बार नींद ना आने से भी हो जाता है, तो इस कंडीशन में अनुलोम विलोम ही एक ऐसी चीज़ है जो आप रेगुलर ज़्यादा करेंगे, और गाय का घी नाक में डालेंगे तो होगा क्या कि नींद भी आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही नींद रेगुलर होनी शुरू होगी, नींद की गोली छूट गई, तो बीपी भी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाना है।